गुड मॉर्निंग। अब बात करते हैं बी पार्ट थर्ड की नई कविता के बारे में कि नई कविता आखिर है क्या। ये 1954 से शुरू होती है और अग्गे ने जो तारसप्तक निकाला पहला 1943 में, दूसरा 1951 में। उनकी कविताओं में जो खामियां रह गई है उनका यदि थोड़ा सुधारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नई कविता प्रयोगवादी कविता का ही विस्तारित रूप है, अर्थात प्रयोगवाद का नया रूप ही नई कविता कह सकते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता नामक पत्रिका से इसकी शुरुआत होती है 1954 से। तो 1954 से डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा इसको इसकी शुरुआत होती है नई कविता। अब बात करें नई कविता नाम की, क्या नई कविता के बाद और कोई नई कविता नहीं आई? तो कुछ आलोचकों ने विद्वानों ने कहा कि जैसे घर में कोई नई बहू आती है उसको सभी लोग नई बहू कह के पुकारते हैं, लेकिन एक दिन ये होता है कि वो नई बहू भी किसी और के लिए जो पीते हैं उसके लिए भी नई बहू, वो भी किसी को नई बहू कहने लग जाती है। तो प्रयोगवादी जो साहित्य है उसमें जो घोर एमनिस्ट व्यक्तिवादता है, अति बौद्धिकता है, क्षणवाद है, नैराश्य है, इनका जो परिमार्जित रूप है इनमें जो विस्तार पाया वो नई कविता के रूप में उसको इसका विश्लेषण हिंदी साहित्य की 1000 वर्ष के काल में, लगभग 1000 वर्ष का काल यहां तक पूरा हो चुका होता है। उस 1000 वर्ष के काल में हमेशा हिंदी साहित्य में साहित्यिक प्रवृत्तियों में बदलाव रहा है, साहित्यिक प्रवृत्तियों में बदलाव उतार चढ़ाव रहा है। साहित्यिक प्रवृत्तियों में बदलाव कैसे? जैसे आदिकाल में जो विक्रम संवत 1050 से 1375 के मध्य में लिखा गया है, जिसमें 5-6 प्रकार का साहित्य लिखा गया है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, प्राकृत साहित्य, अमीर खुसरो, विद्यापति इस युग के कवि हैं, और चारणों द्वारा जो साहित्य लिखा गया है उसमें जैसे श्रृंगार और वीर रस का अद्भुत समन्वय है, संकुचित राष्ट्रीयता की भावना है, ऐतिहासिकता का अभाव है, प्रकृति का आलंबन रूप में और उद्दीपन रूप में चित्रण है, शास्त्रीय छंदों का प्रयोग है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग है, तो ये उस युग की सामान्य प्रवृत्तियां लगभग ये रही। भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक रहा, उनकी जो विशेषताएं थी वो केवल ईश्वर से भक्ति से संबंधित थी। अब वो दौर छूट गया था उनका कि राजाओं का गुणगान किया जाए, आश्रय दरबारी साहित्य था, वो दौर छूट गया। तो प्रवृत्तियां युगान रूप बदलती रहती हैं। अधिकाल की जो प्रवृत्तियां थी भक्ति काल में नहीं होती। उन्होंने कहा कि ने प्राकृत जन गुणगाना सिरधुन गरा लगत पछताना। तो आदिकालीन जो साहित्य है उसकी प्रवृत्तियों में और भक्तिकालीन जो प्रवृत्तियां उनमें जमीन आसमान का अंतर है। वो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते हैं, उनके बारे में तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन भक्तिकालीन कवि केवल और केवल ईश्वर से संबंधित रचना है। पूरे भारत में एक भक्ति आंदोलन बहुत बड़े सूत्रपात के रूप में आया, जहां केवल सगुण निर्गुण, सगुण में राम मार्गी और कृष्ण मार्गी, निर्गुण में प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी, इस तरह का मतलब। अब
विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक रीतिकालीन साहित्य आया, जिसमें मुख्यतः तीन प्रवृत्तियां, तीन धाराएं चली, एक रीतिबद्ध, एक रीति मुक्त, एक रीति सिद्ध। रीतिबद्ध धारा की अलग प्रवृत्तियां थी, रीति का जो सीधा सा अर्थ है वो परंपरा से जुड़ा हुआ, उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों की परंपरा का पालन किया। संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों को उन्होंने साहित्य में अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, इन सब का उन्होंने पालन किया, और पालन करने के साथ साथ उन्होंने उनका हिंदी में अनुवाद किया कि जहां प्रस्तुत में पाइए ऐ प्रस्तुत को ज्ञान, कहूं वाचा कहूं श्लेष्ठे समासोक्ति पहचान, तो इस तरह का उन्होंने प्रयोग किया। तो अब रीतिकालीन जो कवि थे, तीन जो धाराएं थी, एक रीतिबद्ध जहां उनमें घोर श्रृंगारिकता है, अश्लीलता है, दरबारी साहित्य है, विलासिता का वातावरण है, सामंती योग है, उनकी एक अलग विशेषता। रीति सिद्ध जो बिहारी कवि हैं जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का अनुवाद तो नहीं किया लेकिन उसी तर्ज पर उन्होंने साहित्य लिखा, ये रीति सिद्ध है। रीति मुक्त बिल्कुल अलग प्रवृत्तियों को लेकर चला, घनानंद आलम, बोधा, ठाकुर सूदन, ये अलग प्रकार के कवि रहे जिन्होंने प्रेम के एक शुद्ध रूप को सामने रखा। ज्यादातर उन्होंने प्रेम की पीड़ा की अभिव्यक्ति की। तो इस तरह प्रवृत्तियां युगानुरूप बदलती रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में भारतीय हिंदू जो युग था उसमें एक नई साहित्य के क्षेत्र में एक नया नई खोज हुई, और वो क्या थी कि पद्य के साथ साथ गद्य का विकास, नाटक, निबंध, आलोचना, एकांकी, ये इनकी शुरुआत हुई। अब गद्य और पद्य दो धाराओं में साहित्य चला। पद्य की उनकी जो विशेषताओं की बात करें तो भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था, भारतीय जो मूल्य उनमें विश्वास, अंग्रेजों के समय का, वो अंग्रेजों की उन्होंने प्रशंसा भी की है और बुराई भी की है। द्विविध युग आता है 1903 से, उसमें उसकी अलग प्रवृत्तियां, खड़ी बोली को परिमार्जित और परिष्कृत करने का कार्य किया है, इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग किया है जो मराठा शैली है। उसके बाद छायावाद आता है, तो छायावाद की एक अलग प्रवृत्तियां हैं जिसमें व्यक्तिवादिता है, प्रकृति प्रेम है, रहस्यवादिता है, भारतीय संस्कृति के मूल्यों की पुनरुत्थान की भावना है, देश काल की सामाजिक जो परिवेश है उससे बिल्कुल कटा हुआ साहित्य है, उसको आदर्शवादी टाइप का साहित्य, काफी विद्वानों आलोचकों ने पलायनवादी साहित्य का नाम दे दिया, वो उसमें अस्पष्टता बहुत ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन उन कवियों का जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत दार्शनिक किस्म का है, तो छायावादी साहित्य अलग प्रकार का है। उसके बाद प्रगतिवाद आता है, तो छायावाद से बिल्कुल अलग है। प्रगतिवादी जो साहित्य है उसमें उन्होंने उनकी उनकी चेतना में, उनके केंद्र में केवल समाज रहा है। उन्होंने प्राचीन जो मान्यताएं हैं, प्राचीन जो जड़ मान्यता है, ईश्वर और धर्म में उनकी अनास्था है। उन्होंने नारी को अब तक जो उसको उनका सही स्थान नहीं मिला था, उनको सही एक पार्ट, समाज के पार्ट के रूप में देखा है, एक समाज के हिस्से के रूप में देखा है प्रगतिवादी कवियों ने। अब 1943 में अकेले प्रयोगवादी जो रचनाएं की, जिसमें उन्होंने, और 1951 में दूसरा तार शब्द निकाला, और उनकी जो घोर एमनिस्ट व्यक्तिवादी था, उनका अति बौद्धिकता, अति घुटन त्रास संतरास का उन्होंने विश्लेषण किया है, नए नए उपमानों का प्रयोग किया है, नए नए शब्दों का प्रयोग किया है, नई नई भाषाओं का प्रयोग किया है, नए नए उन्होंने बिंबों का प्रयोग किया है। तो प्रयोगवादी जो साहित्य है वो 1954 तक आते आते साहित्य सहयोग नामक सहकारी संस्था ने 1954 में नई कविता का प्रकाशन किया, नए पत्ते 2 और 3 में, और आरोचा कुछ अंकों में नई कविता को परिभाषित करने का प्रयास किया है। नई कविता का आंदोलन जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा संपादित नई कविता नामक पत्रिका ने आधार भूमि प्रदान की है।
नई कविता आधुनिकता की अभिव्यक्ति पर बल देता है। नई कविता की बात करें तो नई कविता पूरी तरह आधुनिकता की अभिव्यक्ति पर बल देता है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवादी जो साहित्य है उसका परिमार्जित और परिष्कृत रूप ही नई कविता कह सकते हैं। अब इनकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली जो विशेषता वर्ग के सामने आती है वो आती है आधुनिकता। आधुनिक जो युग है, आधुनिक जो काल है, उसका जो नामकरण है, उसका जो आधार है, वो यही है कि वो पूरी तरह आधुनिकता से प्रभावित है, विज्ञानवाद से प्रभावित है। आधुनिक वो प्राचीन अंधविश्वासों में उसके विश्वास नहीं है, वो तर्क और बौद्धिकता से सत्य को पाना चाहता है, सत्य के प्रति उनके मन में एक आस्था है। तो छायावादी कवि की तरह उदारता के नाम पर यथार्थ से पलायन भी नहीं है, और प्रगतिवादी की तरह ना सामाजिक आग्रह है और ना प्रयोगवाद की तरह थोड़ा प्रयोग है। ये जो कवि है विज्ञान वैज्ञानिक तथ्यात्मक तार्किक दृष्टिकोण पर इनका विश्वास है, यथार्थता के ये काफी बहुत ज्यादा नजदीक है, यथार्थता से इनके मन में कोई पलायन नहीं है, यथार्थता के ये नजदीक है, यथार्थ के ये काफी करीब दिखाई देते हैं। बौद्धिकता को उन्होंने स्वीकार किया है उस सहज भाव से। बौद्धिकता इनकी जो बौद्धिकता है, प्रयोगवादियों की जो बौद्धिकता है, वो घोर एहमनिष्ठ व्यक्तिवाद को जन्म देती है, घोर एहमनिष्ठ व्यक्तिवादिता के नजदीक है। लेकिन इनकी जो बौद्धिकता है, इनकी जो तार्किकता है, वो सत्य के काफी नजदीक है, वो सत्य को सत्य के इर्द गिर्द घूमती है। आत्मगत सत्य की अभिव्यक्ति की है वो कभी कभी इसमें असफल भी हो जाता है, लेकिन उसमें आशा और निराशा के साथ आशा जुड़ी हुई है, अवरोह के साथ आरोह जुड़ा हुआ है, अवसाद के साथ उत्साह जुड़ा हुआ है। तो नया जो कवि है वो पूरी तरह तार्किकता से, आधुनिकता से, बौद्धिकता उसकी जो नई कवि है उसकी सही दिशा में जा रही है। क्षण अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की, जिसको पाश्चात्य का प्रभाव कहा जा सकता है। पाश्चात्य में हर क्षण को जीने की जो कला है, हर क्षण का जो महत्व है, उसका उन्होंने महत्व दिया है वर्तमान पलों कि वर्तमान पल ही अगले पल का निर्माण करते हैं, इस तरह की इनकी ये इनका दृष्टिकोण रहा है। नैराश्य और पीड़ा बोध इनकी कविता में है, लेकिन नैराश्य पीड़ा इन कवियों को उन्होंने जिया है, अनुभूत किया है, निराशा पीड़ा है, लेकिन उसको अनुभूत है, वह आकर वो अटक नहीं जाते हैं, अस्तित्ववादी दर्शन से पूरी तरह प्रभावित है। सात तरह का जो अस्तित्ववाद है उससे पूरी तरह प्रभावित है। यथार्थ से इनकी संपत्ति है यथार्थ से, और अनुभूति की प्रामाणिकता है, ये प्रामाणिक अनुभूति की बातें करते हैं। ये सौंदर्य बोध इनका एक अलग प्रकार का है, परिवेश के प्रति सजगता है। प्रयोगवादी कवि जहां अपने अहम में और अहम निष्ठा में इतना डूब गया कि उसको परिवेश से कोई लेना देना नहीं रहा, परिवेश से वो दूर भागता हुआ दिखाई देता है, परिवेश की उसकी कहीं कोई चिंता नहीं है, उसका तो स्वयं का निजी जो घोर अहम निष्ठ है वो ही सामने आता है। लेकिन नई जो कविता है वो पूरी तरह आसपास का जो परिवेश है उसको साथ लेके चली है, उसको उन्होंने देखा है, उसकी उससे पलायन बाध्यता नहीं है, परिवेश के वो जो परिवर्तन आ रहा है समाज में उसकी और उसका ध्यान है। उनका जो दृष्टिकोण है वो मानवतावादी है, अहमनिष्ठ घोर अहमनिष्ठ
व्यक्तिवादिता के स्थान पर मानवतावादी है। वो लघु मानव की प्रतिष्ठा चाहता है, वो लघु मानव को स्थापित करना चाहता है। उसके यहां आप काव्य रूप की बात करें तो उन्होंने कोई पूर्वाग्रह नहीं रहा, उन्होंने प्राचीन काव्य रूपों का भी प्रबंध काव्यों का भी प्रयोग किया है, जैसे धर्मवीर भारती का अंधायो, कनुप्रिय, कुंवर नारायण का आत्मजयी, दुष्यंत कुमार का एक कंठ सिपाही, नरेश मेहता संशय के एक रात, जगदीश चंद्र गुप्त का गौतम गोपा, विनय कृतिक पुरुष आदि नई कविताओं को प्रमुख प्रबंध काव्य कह सकते हैं। भाषा की दृष्टि से उन्होंने सरल और प्रगतिवादी जैसी कवियों से लगभग उनका तालमेल रहा है, नई प्रतीकों का प्रयोग किया है, नई बिंबों का प्रयोग किया है, तो कुल मिलाकर नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप जो है वो नई कविता है।